नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। पीलीभीत अस्पताल में रिश्वतखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिटनेस के नाम पर की जा रही अवैध वसूली, आईटीआई कॉलेज में एडमिशन कराने को लेकर फिटनेस के नाम पर अवैध रिश्वत ली जा रही है। 300 बच्चों से 200 रुपए प्रति छात्र छात्र से लिए जा रहे हैं। रिश्वतखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पीलीभीत जनपद के जिला अस्पताल का यह पूरा मामला। बुलंदशहर के कालेआम चौराहे पर स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में बसपा पार्टी के जिला अध्यक्ष सतीश सागर के साथ आए दलितों ने दलित सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। राजस्थान के जनपद जालौर के गांव सुराना के रहने वाले मासूम दलित बच्चे इंगमेग पाल के हत्यारों को फांसी और परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग उठाते हुए बुलंदशहर के मलका पार्क में सैकड़ों की संख्या में दलित समाज के लोग इकट्ठा हुए। देखिए, आज आप ये प्रोटेस्ट चल रहा है, किस लिए चल रहा है और क्या आपकी मांगे हैं? देखिए, राजस्थान में जो जालौर में एक मासूम बच्चे के साथ इस तरह की घटना हुई है, उसने केवल पानी के मटके से हाथ लगा दिया और उसी चीज़ को लेकर उसके पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्चुअल माध्यम से सहारनपुर के नव निर्मित आवासीय बैरकों और विवेचना कक्षों का उद्घाटन किया गया। नव निर्मित आवासीय बैरकों विवेचना कक्षों के उद्घाटन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस के लिए अनुशासन और समयबद्धता पर बल देते हुए प्रेरित किया। एसएसपी डॉक्टर विपिन तार ने बताया कि जिले के प्रतिनिधि, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भवन का वर्चुअली उद्घाटन किया है। इस दौरान विधायक राजीव कुंभर, विधायक देवेंद्र निगम, डीएम अखिलेश सिंह, एसएसपी विपिन तारा, एसपी सिटी राजेश कुमार, एएसपी प्रीति यादव मौजूद थे। सहारनपुर में आज श्री राम चौक पर गणेश मार्केट में वाणिज्य कर विभाग की टीम ने ब्रांडेड मोबाइलों की कंपनी पर छापेमारी की। विभाग की टीम के द्वारा गणेश मार्केट में ब्रांडेड मोबाइलों की दुकानों पर की गई छापेमारी से दुकानदारों में अफरातफरी का माहौल हो गया। अधिकारी मनोज विश्वकर्मा ने बताया कि UPGST सहारनपुर की टीम कहीं से कुछ शिकायत मिली थी और इसी को लेकर टैक्स और कुछ कागज में कमी थी, जिसको लेकर जाँच की जा रही है। ये UPGST सहारनपुर की टीम है और आज एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की सर्च है, यहाँ पर GST की सर्च है जिसके सिलसिले में आए हैं। कहीं से कुछ शिकायत इनके बारे में मिली है कि कुछ टैक्स कमी है या कागज़ में कुछ कमी है, उसकी जांच के लिए टीम आई हुई है। क्या पाया गया सर? और अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है जी सर, अभी टाइम लगेगा इसमें, तो समय के बाद में आप लोगों को फिर ब्रीफ किया जाएगा जो फाइंडिंग होगी। फिलहाल अभी जाँच चल रहा है। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र आहार के गांव में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि आत्महत्या नहीं है बल्कि युवक को पेड़ पर लटकाकर मारा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक युवक की बहन का जो रेपिस्ट है वो जेल काट रहा है। रेपिस्ट का फरार हुआ दूसरा साथी परिजनों को आए दिन जान से मारने की धमकी देता था, ग्रामीणों का आरोप है। और परिजनों द्वारा शिकायत करने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद ये घटना घटी है। ग्रामीणों ने शंका जताते हुए आरोपी के साथी द्वारा वारदात को अंजाम दिए जाने की बात कही है। पुलिस को सूचना मिली कि औरंगाबाद ताहरपुर में थाना क्षेत्र आहार में एक व्यक्ति ने बाग में फांसी लगा ली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति का नाम सतेंद्र पुत्र धर्मवीर के रूप में हुआ। इसमें बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है तथा आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब खबर चमोली से, जहां अतिथि शिक्षक संघ बैनर तले एक दिवसीय सांकेतिक धरना मुख्यालय शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोपेश्वर पर दिया गया। दीवाल थराली नारायणनगर जोशीमठ घाट के अतिथि शिक्षकों को 2020 से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश का वेतन अभी तक नहीं मिला है, जबकि दशोली, कर्णप्रयाग और गैरसैंण ब्लॉकों में उपरोक्त वेतन
अतिथि शिक्षकों को मिल चुका है। एक ही जिले में अलग अलग कानून को लेकर अतिथि शिक्षकों में खासा आक्रोश है। कई बार मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस बाबत ज्ञापन भी दे दिया गया, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल विभाग के द्वारा नहीं की जा रही है। अतिथि शिक्षक दुर्गम स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। समय अवधि का वेतन न मिलने की वजह से अतिथि शिक्षकों में आर्थिक संकट भी पैदा हो गया है, मजबूर उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। मेरे ख्याल संभवतः जो है इनका अवकाश के जो समय है, जो हमारे ग्रीष्म अवकाश और शीत अवकाश पीरियड है, उनके मानदेय भुगतान का शायद इनका प्रकरण है। जो अभी मेरे से बात तो नहीं हुई है, कोई ज्ञापन भी उन्होंने वेतन नहीं दिया है, लेकिन संभवतः वही इनके प्रकरण है। जम्मू में सड़क दुर्घटना में घायल और इलाज के दौरान शहीद होने वाले सूबेदार मेजर नंदन सिंह चामियाल का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां के स्थानीय शमशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद की अंत्येष्टि की गई। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नमाखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। आईटीबीपी कंपनी के साथ ड्यूटी पूरी करने के उपरांत वापस वाहिनी मुख्यालय आमद हो रही थी, जो कि जेएनके की बस में सवार थी। चंदनबाड़ी के करीब यह बस नियंत्रण खोने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें हमारे काफी जवान को चोट आई है और उसमें हमारे एएसआई जीडी नंदन सिंह को भी गंभीर रूप से चोट आई और इनका अभी तक इनका इलाज श्रीनगर हॉस्पिटल में चल रहा था। दुर्भाग्य से दिनांक 22 अगस्त 2022 को की रात को सिर के ऑपरेशन के दौरान इनका निधन हो गया है। अग्निवीर योजना को लेकर जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज लिखित पत्रों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री तक से मामले को लेकर बातचीत कर चुके हैं, तो वहीं भाजपा के विधायक दिलीप रावत ने महाराज इतर ही बयान दे रहे हैं। भाजपा विधायक दिलीप रावत ने कहा कि अग्निवीर योजना नियम अनुसार चल रही है, जो भी व्यक्ति योजना को लेकर सवाल खड़े कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसे पता नहीं है कि आखिर वो क्या कह रहा है। देखिए, कोई मानक में कमी नहीं है, और जो मानक पूर्व बताए थे वो अभी भी हैं, और मैं तो स्वयं 2 दिन तक उस कैंप में रहा हूँ कोटद्वार के, और मैं समझता हूँ कि जितनी अच्छी व्यवस्था हो रही है और बिल्कुल मानकों के अनुसार हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अपेक्षा है कि हम फौज में सेवा दें, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए लोग थोड़ी सी बात करें, लेकिन ये पूर्वतः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के दौरान सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंत्रिमंडल अपनी मुहर लगाई। परिवहन विभाग, लोक निर्माण, उद्यान विभाग, राजस्व, न्याय विभाग, शिक्षा चिकित्सा विभागों से जुड़े कई विषयों पर मंत्रिमंडल ने विस्तार से चर्चा की। कैबिनेट की बैठक के बाद उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने बैठक में रखे गए मुद्दों की जानकारी दी। अगला मद ट्रांसपोर्ट विभाग का ही है। इसमें रेलवे ने एक मैनुअल बनाया था सारे देश के लिए कि जहाँ भी उनकी रेलवे लाइन के आसपास कोई काम, कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे सड़क बननी हो या पुल बनना हो या इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई स्ट्रक्चर बनना हो, तो उनसे सहमति लेनी चाहिए ताकि रेलवे के ट्रैक की और स्टेशन की सेफ्टी बनी रहे, उसको कहीं नुकसान ना पहुँचे। तो ये विभिन्न प्रदेशों ने अडॉप्ट किया था, लेकिन उत्तराखंड में अभी अडॉप्ट नहीं हुआ था। तो इसमें काफ़ी विभागों की कंसल्टेशन करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट विभाग, इरिगेशन विभाग, पीडब्ल्यूडी और अन्य भी सभी विभाग जिनका काम रेलवे लाइन के आसपास होता है। मोदी @20 सेमिनार के आयोजन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, प्रधानमंत्री के 20 वर्ष के राजनीतिक सफर का गुणगान किया। कैबिनेट मंत्री ने कभी कभार ऐसे महापुरुषों का होता है जन्म, ये कहती हुई नजर आई। अमेरिका तक कोविड-19 की मार नहीं झेल सका, सरकार से बड़ा संगठन होता है, संगठन ही सरकार बनाती है। जम्मू कश्मीर से 370 धारा को हटाया गया, विपक्ष देख रहा था और यहाँ पर 370 हटा दी गई। 80 करोड़ जनसंख्या को खाद्यान्न दिया है।
बस्ती जिले में उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों ने विकास कार्यों की समीक्षा की। जनपद में रात में भ्रमण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल भी जाना। कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की दोनों मंत्रियों ने समीक्षा की। राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल और राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने संयुक्त समीक्षा बैठक में विभागों के अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कहा कि सभी विभागों की समीक्षा की गई है, जो भी कमियां थी उन्हें ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बस्ती के यहाँ पर सभागार में, कलेक्टर के सभागार में हर विभाग का समीक्षा लिया गया। उस समीक्षा में कुछ को जहाँ पर कुछ कमियाँ थी वो ठीक करने कहा गया है। कुछ नवाचार करने की अपेक्षा की गई है, हर विभाग कुछ नवाचार करे, कुछ नया करे। यहाँ पे बस्ती का जो गुरु का स्थान है, अगर इसको हम पैटर्न जोड़ करके इसका विकास करें तो हर व्यक्ति जो अयोध्या जाने की ललक करता है वो आदमी गुरु वशिष्ठ के स्थान पर यानी बस्ती आना चाहेगा। हम लोग जगह चिन्हित करेंगे, जगह चिन्हित करके उसका विकास करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सरकार हर नौजवानों को रोजगार देने के लिए अलग अलग विभाग से अनुदान बांटती है। खादी ग्रामोद्योग से 25 लाख तक की पूंजी तो पहले था, अब बढ़ा के 50 कर दिया गया। 50 लाख के पूंजी में 35% SC OBC के लिए या जनरल की महिलाओं के लिए अनुदान है। माना कि 50 लाख रुपये आप लेते हैं ईटा का भट्टा खोलने के लिए, बहने लेती हैं ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए, आटा का मिल, दाल का मिल, रेस्टोरेंट खोलने के लिए, तो 50 लाख के पूंजी पर 35% यानी कितना हो गया आपका 17.5 लाख रुपये अनुदान है। विभाग को सर मैं देखा हूँ अभी कि सारे योजनाएं सरकार दफ्तर पर हुआ है नहीं, बाहर निकल रहे हैं, नौजवानों को बता रहे हैं, हमने उनको वार्निंग दिया है। बुलंदशहर में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के 4 साल के मासूम का कत्ल कर दिया, ऐसा आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका का जो पति है वो फरीदाबाद में नौकरी करता है। प्रेमी और प्रेमिका साथ रहते थे और किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। प्रेमी और प्रेमिका के झगड़े के चलते मासूम बच्चा बलि चढ़ गया। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के गांव अमीनगर से बच्चे का अपहरण किया और इस कत्ल को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एक शिकायत आई थी कि 4 साल का बच्चा जो है वो गायब हो गया है। आरोप जो था एक इन्हीं के रिश्तेदार है उसके ऊपर था, जिसका नाम अरुण कुमार है। इनका बताया गया है कि जो बच्चे की माँ है उनसे कोई संबंध थे। एक रोज सिकंदराबाद में रीना जो उसके बच्चे की माँ है अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी, वहीं से बच्चे को अरुण कुमार उठा ले गया था। रात में जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने उसकी छानबीन करनी शुरू की, उसका लोकेशन निकलवाया गया, उसका लोकेशन लोकपिला के पास मिला। इस आधार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, वहीं पर अरुण भी हुआ और तलाश का पूरी करने के कुछ देर बाद अरुण की निशानदेही पर बच्चे का शव एक बाग से बरामद हुआ है। वहाँ पर फिंगरप्रिंट भी गई थी, पुलिस थाने की पुलिस भी गई थी, आवश्यक बधानी कार्रवाई की जा रही है। लड़के के पिता की तरफ से तहरीर प्राप्त हो गई है, जिसने लड़के की माँ और जो उसका रिश्तेदार अरुण है दोनों के खिलाफ तहरीर दिया है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बधानी कार्रवाई। हरदोई में जिला समाज कल्याण अधिकारी की तरफ से जारी एक पत्र के माध्यम से बताया गया कि तकरीबन 67,000 लोगों को इस बार वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी KYC नहीं कराई। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अलग अलग आंकड़ों के साथ विभाग ने इस लिस्ट को जारी किया है। वृद्धा पेंशन का सत्यापन कराया जा रहा है और KYC कराई जा रही है, उसमें जो है अभी तक 66,456 लोगों का पेंशन रुक जाएगी क्योंकि उन्होंने अभी तक KYC नहीं कराई है। और जो जिन लोगों ने KYC करा ली है उनकी पेंशन जा रही है। क्या क्या लोगों से कहना चाहिए? लोगों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सभी मेरे पेंशनर लाभार्थी जनसेवा केंद्रों में जाकर के अथवा समाज कल्याण विभाग में आकर के अपनी KYC करा लें, जिससे कि जनपद के 142,494 लोग हैं उनको पेंशन जारी की जा सके। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक हरदोई दौरे पर रहने वाले हैं।
कल 3:25 पर वो करीब हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचेंगे, पुलिस लाइन से कार से कलेक्टर सभागार पहुंचेंगे। कलेक्टर सभागार में मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद जनपद के विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। पुलिस ने मथुरा से छात्रा को सकुशल ढूंढ लिया है। मामले को गंभीरता से लिया गया था। एसपी मैनपुरी ने छात्रा की बरामदगी के लिए कई टीमें लगाई थी। रातों रात सोशल मीडिया के जरिए शोहरत हासिल करने वाली आकांक्षा रस्मी ढंग से गायब हो गई। स्कूल के लिए निकली लेकिन जब नहीं पहुंची तो परिजनों ने छानबीन शुरू की। शहर के आर्ट्स इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्र है। 3 दिन में करोड़ों की संख्या में छात्रा का डांस देखा गया। भ्रामक सोशल मीडिया पर जानकारी फैलाई गई है। थाना धनार क्षेत्र के गांव लालपुर सगोनी की पूरी घटना बताई जा रही है। धनार थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बच्ची जो स्कूल के लिए निकली थी, स्कूल नहीं पहुंची, उसके घर वालों के तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजित करके और सरगर्मी से इसकी तलाश की गई। उसके बाद उस बच्ची को बरामद किया गया। बरामद करने के पश्चात बच्ची द्वारा बताया गया कि उसका डांस का वीडियो वायरल होने के पश्चात उसके माता पिता द्वारा उसको डांटा गया था, जिससे क्षुब्ध होकर के वो चली गई थी। उसका मेडिकल कराया जा रहा है और माननीय न्यायालय के समक्ष उसका बयान अंकित कराया जा रहा है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। और अब खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस अधीक्षक प्रेम वार्ता के दौरान कहा कि अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अवैध शराब और हेरोइन तस्करी रोकने के लिए रोकथाम की गई है। खबर के अनुसार गहमर एवं संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बलिया बिहार जनपदों की हेरोइन तस्करी करने वाले तस्कर को 800 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी जमानीय प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार थाना ग्रहम गाजीपुर स्वाट टीम प्रभारी सुनील कुमार को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, जिसके बाद मुठभेड़ के दौरान उसे बरामद किया गया। देखिए, आज गहमर पुलिस एसओजी टीम स्वाट टीम को हमारे लक्ष्मण माड़ी पुत्र महेंद्र माड़ी को पकड़ने में कामयाबी प्राप्त हुई है। ये एक हेरोइन तस्कर है, 800 ग्राम हेरोइन, जिसकी आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वैल्यू 15 से 20 लाख रुपए आंकी जा रही है, वो पकड़ने में पुलिस को कामयाबी प्राप्त हुई है। इस व्यक्ति से पूरा नेटवर्क हम लोग समझने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं कि कहाँ से माल इनका आ रहा था। ये माल जो है वो बाहरी राज्यों से आता है और यहाँ पे कई सारे जिलों में कभी कभी प्रोसेस करने के बाद भी इसको जो है अन्य राज्यों में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अमेठी के सिंभई गांव पहुंचे, जहां पर बने अपने सरोवर का पूजा अर्चना का लोकार्पण किया, वृक्षारोपण किया। आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचकर आधा दर्जन ननिहालों को अन्य प्रसारण कराया। डिप्टी सीएम ने प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर बच्चों की क्लास ली, किताब और स्कॉलरशिप और ड्रेस को लेकर जानकारी बच्चों से ली। छोटे बच्चों के द्वारा ड्रेस न पहने जाने पर प्रशासन को फटकार लगाई। डिप्टी सीएम ने प्राथमिक विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने एक अभियुक्त को 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अभियुक्त सोनूपाल गलहौरा थाना क्षेत्र के भटमाली का रहने वाला है। जालौन में डॉक्टर की लापरवाही से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। मासूम की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बच्चे की मौत की पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। उरई कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर से समीक्षा क्लिनिक का ही पूरा मामला। गौना जिले में दरोगा बन वर्दी का हनक दिखाकर अवैध वसूली करना युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि नगर कोतवाली पुलिस ने एक पुलिस की वर्दी पहन फर्जी दरोगा बनकर अवैध वसूली और झांसा देकर लोगों से ठेका लेने वाले को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।